सो वन ब्लॉक। फाइनली मुझे याद आ ही गया कि भाई मेरे चैनल पे वन ब्लॉक की भी नाम की कोई चीज है। सो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक और ये है पार्ट 3। और जैसा कि देख सकते हो इंट्रो अब तक खत्म हुआ नहीं, रात होना स्टार्ट हो गया। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। सो बहुत दिनों के बाद मैं अपने वन ब्लॉक के सीरीज में आया हूँ। सो क्यों ना तुम लोग को एक वर्ल्ड टूर दिया जाए मेरे वर्ल्ड का। यस, चलो एक वर्ल्ड टूर देता हूँ मैं तुम लोग को अपने इतने बड़े से वर्ल्ड का। चलो, लेकिन उससे पहले मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट। ऑल राइट, सो देख सकते हो कि फाइनली सुबह हो चुका है। और तू ऐसे क्यों देख रहा है, जाना यहाँ से। एक बार बोला तो कान में क्या बात नहीं गया क्या, बोल रहा हूँ हट, हटा ही नहीं। ऑल राइट, सो जैसे कि देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर शेडर्स लगाया है क्योंकि भाई आजकल मैं माइनक्राफ्ट से बहुत प्यार करने लगा हूँ। ऑल राइट, सो हमारा वर्ल्ड टूर का शुरुआत करते हुए मैं तुम लोग को दिखाना पेश करूंगा ये सबसे ज्यादा ओपी, ये प्यारा सा एनविल। बहुत बड़ा एनविल है ना, इसे मैं सब कुछ मैं एंचेंट करता हूँ। और सेकंड चीज है ये क्राफ्टिंग टेबल, और फिर है ये सारे चेस्ट जिसमें फालतू का सामान भरा पड़ा है। उसके बाद आता है ये चेस्ट, इसमें भी फालतू का सामान भरा हुआ है। फिर ये वाला ये चेस्ट, और इसमें फालतू का सामान नहीं है, इसमें डायमंड्स है जैसे कि देख सकते हो। किसी बंदे को देखो, अपने तीसरे एपिसोड में ही उसको डायमंड्स मिल चुके हैं, मतलब सेकंड एपिसोड में उसको डायमंड्स मिल चुके हैं। सो अगर तुम लोग सर्च करते हो किसी ऐसे बंदे को, सो तुम लोग को मैं मिलूंगा। यस, लेकिन उससे पहले मैं इन सब डायमंड्स को रख देता हूँ, बहुत कीमती है भाई। ओके सो चलो मैं अपने बाकी का वर्ल्ड तुम लोग को एक्सप्लोर करता हूँ। और ये नाइस, वेरी नाइस। कितना बड़ा प्रो इंसान हूँ ना मैं। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, तरक्ती भड़कती। ऑल राइट, सो अच्छा हुआ कि मैंने अपना सारा सामान इस चेस्ट में रखा हुआ था, वरना वो सब भी चला जाता। सो मैं यहाँ पर से अपने सारे सामानों को ले लेता हूँ। और भाई मेरा पिकेक्स कहाँ गया भाई, आयरन का पिकेक्स था भाई मेरे पास, वो पिकेक्स कहाँ गया, शायद से टूट गया है, शायद से मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा। देखो इसमें नहीं है। ओके, ये एक्स ले लेता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास आ चुका है ट्राइडेंट, और ये मेरे पास आया है ड्राउन जॉम्बी के स्पॉन होते ही। मतलब भाई बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर तुम मानो 100 जॉम्बीज, मतलब 100 ड्राउन जॉम्बीज आएंगे, उन सबको मारोगे तब जाके तुम्हारे पास ये एक ट्राइडेंट आएगा। और मुझे पहली बार में ये ट्राइडेंट मिल गया भाई, देख रहे हो लक, इतना प्रोगिरी किसी के पास भी नहीं होगा। और तुम लोग सोच रहे होगे कि सारे के सारे विलेजर्स कहाँ गए। सो मैं एक बार इस ट्राइडेंट को ट्राई करना चाहता था विलेजर के ऊपर, ट्राई किया, सारे के सारे विज बन गए और उन्होंने तबाही मचा दी। उसके बाद मैंने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने फाइनली इस विलेजर को उनसे बचा लिया, और उन सारे के सारे विचेस को मैंने यहाँ से नीचे फेंक दिया। यस, तुम लोगों ने और क्या एक्सपेक्ट किया था। ओ ट्यूलिप सेट भाई, ऐसे विचेस को नहीं मारते, अगर आपको विच को मारना है तो सोचते मारो, तब जाके आपको एक ओपी आइटम मिलेगा। चुप, नहीं चाहिए मुझे ओपी आइटम, फालतू में मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। पक भाई, इसमें मेरी क्या गलती है भाई, वो लोग परेशान कर रहे थे, मैंने नीचे फेंक दिया, इसमें मेरी क्या गलती है भाई। ओके, मैं अपने ट्राइडेंट को यहाँ पर रख देता हूँ सेफली, क्योंकि इसमें बहुत कम एचपी है। और भाई मैं अपने पिकेक्स को ढूंढता हूँ, कहाँ है पिकेक्स भाई, पिकेक्स कहाँ है, अबे हटना। इसमें भी एक ये आधा अधूरा पिकेक्स है, और ये खुल क्यों नहीं रहा भाई। अबे ये कैट क्या इतनी भारी है, थोड़ा साइड हो भाई, मुझे देखने दे क्या क्या है यहाँ पर। नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके, मुझे लगता है हमें अपने डायमंड के पिकेक्स को बाहर निकालना पड़ेगा, और कुछ बाकी है, चलो हम लोग माइंड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर है ब्लॉक्स, और भाई बहुत दिनों से मुझे ये ओशन वाली चीज़ें मिल रही है, तो चलो हम लोग से माइन करते हैं। और भाई सलमान, ओके सलमान भाई आ गए, ठीक है, हम लोग के पास पानी है, तो पानी से हम लोग जल्दी से उस मछली को बचाते हैं। और भाई वो मछली नीचे ही गिर गई। अबे यार, मछली तो नीचे गिर गई, लेकिन छोड़ो, हम लोग वापस से माइन करना स्टार्ट करते हैं। और भाई यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है आयरन ओर, लेकिन मैं इस पानी को यहाँ पर नीचे फेंक देता हूँ, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, क्योंकि पानी नहीं चाहिए मुझे। तो इस आयरन ओर को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, बाद में काम आएगा। चलो इसको कलेक्ट करते हैं।
ओके न्यू रेसिपी अनलॉक्ड। और ये क्या है भाई, मर हट, पूरा काला काला कर दिया। ठीक है हम लोग फिर से माइन करना स्टार्ट करते हैं। और भाई ये पानी है ना, हाँ पानी है। ओह दिलों वाला चेस्ट, अरे वाह वाह क्या आइटम दिया है, कितना अच्छा आइटम दिया है ना गाइस माइनक्राफ्ट वालों ने, बहुत बढ़िया। A few moments later. मतलब सीरियसली मैं भाई मैं गेम खेल ही नहीं रहा भाई, इतना फालतू आइटम से कौन देता है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। okay. आ, ये कहां से स्पॉन हो गया, अबे अबे तेरी मारो इसको मारो, ये ले ये ले। ओके ओके अबे मैं आगे नहीं जा पा रहा भाई इस पानी की वजह से, अबे यार अब क्या करूं। ओके ओके हैं ये क्या है भाई, मर गया नूप। ओके भाई यहाँ का पानी मैं बंद करता हूँ, वैसे ये शेडर्स के साथ पानी दिखता भी नहीं है, देखो अभी भी पानी बंद नहीं है, स्पॉन्ज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज लगा दिया है, तो अब सारा पानी स्पॉन्ज ने सोख लिया, तो अब तोड़ते हैं फिर से माइन करना स्टार्ट करते हैं। चलो तोड़ो भाई तोड़ो तोड़ो तोड़ो, न्यू रेसिपी अनलॉक्ड। अरे बेडरॉक कहाँ से आ गया भाई, अब बेडरॉक को हटने में बहुत देर लगेगा, तब तक क्या करूँ, कुछ करने के लिए भी नहीं है भाई, क्योंकि मेरा वर्ल्ड उतना भी बड़ा नहीं कि मैं अपने वर्ल्ड में घूमता रहूं। एक काम करता हूँ, इस ब्लास्ट फर्नेस में मैं स्पंज को रख देता हूँ, सूख जाएगा सबसे बेहतर। अरे लगता है ब्लास्ट फर्नेस में काम नहीं करता, शायद से हम लोग को नॉर्मल फर्नेस लेना पड़ेगा। ठीक है हम लोग का ये बस होने ही वाला है, 4 3 2। ओके यहाँ पर फर्नेस निकाल ही लेता हूँ मैं सबसे बेहतर, और इस फर्नेस को कहाँ लगाऊँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, और इस स्पंज को अंदर सुखाने के लिए रख देता हूँ। ओके हम लोग का ब्लॉक चेंज हो चुका है, ये शायद से वॉट वाला बायोम का वो है, जो भी है छोड़ो। ओके चेस्ट मिलना फिर से, ओ भाई अब कुछ अच्छा मिला भाई, ये फायर रेजिस्टेंस का पोशन मिल गया, वो भी 8 मिनट का, चलो ये अच्छा है, कुछ अच्छा तो दिया कम से कम भाई, इतनी देर से इतना घटिया सामान दिया जा रहा था। ओके चलो इस चेस्ट को अब तोड़ते हैं, और ये अब नेदर का सामान मिल रहा है सब। ओके तोड़ो, ओ ओ भाई इंजन डिब्रिस मिल गया, ओ भाई साहब। और ये बारिश क्यों हो रहा है भाई, मेरे लक के ऊपर पानी फेंकने क्यों आया हो भाई, ओ भाई एंशियन डिब्रिस मिल गया डायरेक्ट भाई, इतना लक भाई किसी का कैसे हो सकता है भाई। इसको तोड़ते हैं भाई, डायमंड पिकैक्स से टूट जाएगा ना, हाँ डायमंड पिकैक्स। ओ भाई चेस्ट में देखते हैं क्या है भाई, ओ भाई एंशियन डिब्रिस, यस भाई देख रहे हो एंशियन डिब्रिस, कभी देखे हो एंशियन डिब्रिस, ओ भाई ये देखो गरीब, देख एंशियन डिब्रिस है मेरे हाथ में, है तेरे पास कभी भी, हट भाई ऐसे। ओके गाइस इस चेस्ट में खोल के, ओ भाई साहब 4 नेदराइट स्क्रैप भाई भाई, ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, भाई साहब बाप रे भाई, इसका मैं शायद से इनगट बना सकता हूँ। हाँ ओ गाइस नेदरराइट इनगट बन गया, ये देखो देखो भाई नेदरराइट इनगट बन गया अपने 3rd एपिसोड में भाई साहब। एक काम करते हैं इस एंशियन डिब्रिस को ब्लास्ट फर्नेस में रख देते हो ताकि पक जाए जल्दी। और भाई देख गरीब देख मेरे पास एंशियन डिब्रिस का एक टुकड़ा है, देख ये नेदरराइट इनगट देखा कभी, देख हाँ उछल रहा है देखा। ओके गाइस अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने डायमंड्स के आर्मर बनाए और उसको नेदरराइट में कन्वर्ट करें, तो चलो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपने डायमंड्स के आर्मर। पहले बनाऊँगा स्टिक्स, आर्मर नहीं बनाऊँगा सबसे पहले टूल बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास स्टिक्स है शायद, हाँ ये स्टिक्स है, इसका स्टिक्स बना लेते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई, मेरे पास प्लैंक्स है प्लैंक्स का स्टिक्स बना लेते हैं। ओके ये बन गया स्वॉर्ड, अब मुझे बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा भाई, हाँ एक स्मिथिंग टेबल बनाना पड़ेगा, स्मिथिंग टेबल के लिए शायद से आयरन चाहिए, और मेरे पास अभी आयरन है या नहीं वो मुझे नहीं मालूम। ओके है यहाँ पर है चलो अच्छा वो है मेरे पास 20 आयरन है भाई, देख रहा हूँ अमीरी, चलो उससे पहले मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट। ऑल राइट सो सुबह हो चुका है, तो अब मैं स्मिथिंग टेबल बनाता हूँ, ये रहा रेसिपी, चलो बन गया स्मिथिंग टेबल, और अब इसको मैं रखता हूँ कहाँ पर रखूँ भाई, चलो इस जूट बॉक्स के ऊपर रखता हूँ। चलो अब मैं बनाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ अपना डायमंड स्वॉर्ड, और यहाँ पर नेदरराइट इनगट, और ये बना क्यों नहीं भाई, अरे नहीं भाई, अरे यार हम लोग को गाइज एक न्यू चीज़ चाहिए, जिसकी वजह से ही हम लोग अपने नेदरराइट
मतलब डायमंड्स के चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, वो अगर नहीं हुआ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे अपग्रेड। और 1.20 में ये घटिया अपडेट आया है क्योंकि हम लोग एक बेस्टियन में होता है ना, नेदर में बेस्टियन होता है, तो वहाँ पर एक पिगलिंस के एक चेस्ट में एक कुछ तो होता है, एक स्मिथिंग टेम्पलेट बोल के कुछ तो एक था, उसकी वजह अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग डायमंड्स के चीज़ों को नेदरराइट का नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग को फर्स्ट अच्छा। नेदर में जाना पड़ेगा। तो आज तो मैं नेदर में जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडियंस नहीं है, सो मैं अपने सारे सामान को इस चेस्ट में सॉर्ट कर देता हूँ। ओके चलो मैं इस चेस्ट को तोड़ता हूँ भाई। भाई मुझे लगा कि मैं नेदरराइट का सामान बना लूँगा लेकिन नहीं हुआ। ओके चलो इसको भी तोड़ते हैं। ओ भाई ये लावा कहाँ से आ गया? ओके इस लावा को मैं बुझा देता हूँ भाई, अभी लावा का ज़रूरत नहीं है मुझे, पानी है मेरे पास, पानी से बुझा देता हूँ। चलो ओके, और अब ये ग्रेवल आ गया, ठीक है इस ग्रेवल को भी तोड़ते हैं। ओके ये क्या है? नेदरराइट ब्रिक, नेदर का ब्रिक है। ओके इसको तोड़ो, ठीक है ओके। सोल सैंड नहीं चाहिए, ये सब क्या है भाई? कुछ अच्छा आइटम दो ना भाई। ये कहाँ से आ गया? अबे ये लोग भी स्पॉन होते हैं क्या? भाई ये कहाँ से आ गया? एक सेकंड पबजी खेलूंगा इसके साथ, आ जा। ओके मर गया। हो चलो फिर से हम लोग तोड़ते हैं इस क्वार्ट्ज ब्लॉक को और देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। फिर से लावा आ गया भाई, ये इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो फिर से तोड़ो 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 तोड़ो, जल्दी टूटो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कहाँ से आ गया? अबे मोटा हट गेंडे, भाग भाग यहाँ से। अबे ये जोगलिन कहाँ से आ गया भाई? ये लोग क्या स्पॉन होते रहेंगे क्या? अबे अच्छी ये कहाँ से आ गया भाई, हट। चलो ग्रेवल लगा के मैंने लावा को बंद कर दिया है और ये मैग्मा क्यूब को भी हम लोग तोड़ते हैं। अरे फिर आ गया, अबे नहीं फिर कहाँ से आ गया? बट ऊपर नहीं नहीं नहीं, कम एच पी है, कम एच पी है, चार हट हो गए, मर गया भाई। ये क्या भाई? ओ उतना खाना है मेरे पास, खाना खाओ खाना खाओ भाई। अबे खाना क्यों नहीं खा रहा? खाना खा भाई, हेल्थ बार कम क्यों नहीं हो रहा भाई? हार्ट्स चाहिए मुझे यार। अबे यार ओके, अबे डैमेज लो भाई, डैमेज लो प्लीज यार हार्ट्स। अबे ओके छोड़ो ऐसे माइंड को। फिर से एंशिएंट डेब्रिस मिल गया भाई, क्या लक है भाई। ओ भाई ओके फिर से आ गया ये लावा भग भाई साहब, फिर से। ओके चेस्ट मिले, देखते चेस्ट। ओ भाई साहब ये सब क्या है भाई? इतना लक कैसे हो सकता है भाई किसी का? भाई साहब भाई 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 इतना लक, सेकेंड एपिसोड में भी इतना लक था और इस एपिसोड में भी भाई इतना ज्यादा लक कैसे हो सकता है? अबे फिर आ गया। नहीं 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 नहीं, मर जा जल्दी। ओह ओके गाइस, हम लोग को एक और एंशिएंट डेब्रिस मिला है भाई। ओके भाई एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल गया गाइस। ओ भाई साहब क्या लग है भाई। ओ भाई अरे अब ये कहाँ से आ गया? बट नहीं मर जा जल्दी, मर तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओके मर गया भाई, कहाँ से आ रहे हैं भाई ये लोग? ओके तोरो। ओके गाइज हॉर्स का बच्चा मिल गया, ये हॉर्स है या म्यूल है नहीं पता मुझे, या फिर गधा का बच्चा नहीं पता। और राइट गाइज आई थिंक आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, हम लोगों को भाई बहुत ज़्यादा ओपी लूट मिल चुका है भाई, मतलब तो दो एंशिएंट डेब्रिस और एक नेदरराइट इनगट और ये एक्स्ट्रा चार नेदरराइट स्क्रैप, इसको मैं चेस्ट में रख देता हूँ भाई। इतना लग किसी का देखे हो भाई कभी भी? भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ओके गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ भाई मैं भूल गया आज इंट्रो में भूल गया लाइक सब्सक्राइब बोलने। ओके गाइज लाइक कर देना चैनल को, चैनल मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज अगर आपको ऐसे ही और न्यू वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ से उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पता नहीं क्यों मेरे इस प्लेयर को ग्लिच हो गया, देखो मैं क्राउच कर रहा हूँ तब भी ये क्राउच नहीं कर रहा, देखो खड़ा हुआ है, मैं क्राउच करके हूँ लेकिन तब भी क्राउच नहीं कर रहा। लेकिन छोड़ हम लोग ना ग्लिच विच से नहीं डरते, हम लोग प्रो इंसान हैं। तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।